तो अब मोबाइल से मोबाइल के साथ मोबाइल नहीं रह पाएंगे अधिकारी, उनको तय समय पर अपने कार्यालय में बैठना होगा, सुबह हो या शाम, यानी 9 बजे हो सुबह का या शाम का 6 बजे हो, ड्यूटी के आवर्स आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना नहीं लैंडलाइन का जमाना लौट रहा है, जमीन से ही जुड़ना पड़ेगा, वो फोन हो या आदमी। आगे बढ़ते हैं। LOC से सटे कश्मीर के कुपवाड़ा में गुरुवार सुबह आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पंजगाम में सेना के आर्टिलरी बेस में घुसने की कोशिश की, कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। मुस्तैद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में नायक बनकर उभरे हैं कैंप में तैनात सफाईकर्मी जवान ऋषि कुमार। अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऋषि कुमार ने घायल होने के बावजूद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा में क्या हुआ था, अब आपको सुनाते हैं खुद कुपवाड़ा के नायक की जुबानी। जी सर, मैं सुबह 4:30 बजे तकरीबन प्रताप गेट पे मेरी ड्यूटी थी पंचगांव में, तो सर अचानक ये फायरिंग रेंज से कुछ आवाज़ें फायरिंग की सुनाई दे रही थी, तो मैंने एक्सचेंज में फ़ोन किया, अपने यूनिट में एक्सचेंज में फ़ोन किया, तो वहाँ पे एक्सचेंज वालों ने बताया ये मिल्टनों ने हमारे कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मैंने अलर्ट हो गया, मैं अलर्ट हो गया कि मिल्टन अगर आए तो मैं अपने फिट हूँ। तो उसके बाद फायरिंग करते करते ये मिल्टन मैंने प्रताप गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा 2 मिल्टन उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पर जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिल्टनटों ने मेरे ये BPG जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसकी वजह से मेरा बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअल्टी टाइप का है हुआ। उसके अभी आपका यहाँ पर इलाज हो रहा है, अभी आपकी हालत कैसी है? जो वो मिल्टन थे आपने दोनों को मार दिया? जी, मैं दोनों मिल्टनों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया जो मेरे कब्जे में है, और यहाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मेरे अपने अधिकारियों ने मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में लाया और मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं बिल्कुल ही मैंने अभी भी मैं जंग के लिए तैयार हूँ, उनसे लड़ने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं अभी भी उनके साथ लड़ सकता हूँ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में कल शहीद हुए कानपुर के रहने वाले कैप्टन आयुष यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। 24 साल के कैप्टन आयुष यादव 3 साल से सेना में थे। वहीं कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए JCO भूप सिंह राजस्थान के दौसा के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। 46 साल के भूप सिंह 25 साल से सेना में थे। कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन आयुष यादव का परिवार कानपुर के जाजमू इलाके में रहता है। शहीद का शव आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। दोपहर 1:30 बजे शव पहुंचेगा। आज सिद्धनाथ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं शहीद कैप्टन आयुष यादव के पिता ने कहा कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही मरवाते रहेंगे, कभी आपके सुकमा में मरवा देंगे नक्सलियों से, कभी कहीं मरवा देंगे, कोई एक्शन तो ले, हर बार एक्शन लेंगे जी सरकार है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना चाहते लोग, सरकार से कोई अपील नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं। और आइए अब आपको सुनाते हैं शहीद JCO भूप सिंह के पिता का क्या कहना है। हमारे गांव में पूरे में हर घर से 1-2 मिलिट्री में है और देश के प्रति सेवा की भावना है गांव में पूरे में, और पहले भी हमारे एक शहीद हो चुका है जिसका नाम है मोहन सिंह गुजर, और दूसरा मेरा बेटा कल शहीद हो चुका, देश के प्रति हमारी रक्षा की पूरी भावना।
वहीं विशाखापट्टनम के रहने वाले सेना के जवान वेंकट रमन्ना भी कुपवाड़ा में शहीद हुए। 38 साल के वेंकट रमन्ना पिछले 18 साल से सेना में थे। कई मोर्चों पर देश के दुश्मनों से लोहा लिया, लेकिन कल कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हो गए।